प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। राम की माता की जय। भीम रूप धरिया सुसारे रामचंद्र के काज सवार। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड का राम जानकी मंदिर, और दोस्तों कुछ समय पहले ही ये मंदिर खंडहर में तब्दील था। चारों तरफ जंगल था, यहाँ पे जंगली जानवर रहते थे, सांप कीड़ा रहते थे और आदमी का आवाजाही नहीं होता था। लेकिन दोस्तों चमत्कारिक रूप से एक साधु आते हैं, मंदिर का दरवाजा खुलवाते हैं और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को जागरूक करके, जागृत करके, और दोस्तों इस खंडहर और वीरान पड़े मंदिर में यहाँ पे ऐसी भक्ति की लौ जलाते हैं कि आज देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और एक भक्ति में माहौल बन गया है। और यहाँ आने के बाद ऐसा दिव्य और साक्षात भगवान की शक्ति महसूस होती है जिसे पूरे सिंघिया के लोग आकर के महसूस कर रहे हैं। हमारे बगल में महाराज जी दो वीडियो और बनाए थे इससे पहले। एक वीडियो तब बनाए थे जब महाराज जी ने पहले दरवाजा खुलवाया था, करीब 40 साल 30 साल के बाद मंदिर का दरवाजा खुला था। सांप थे, जंगल थे और जाने से लोग डरते थे। दोस्तों तब से लेकर अब तक पूरे सिंघिया ही नहीं, आसपास के सभी लोगों के लिए ये राम जानकी मंदिर धार्मिक एकाग्रता का केंद्र बन चुका। और देखिए दोस्तों किस तरह से सैकड़ों की संख्या में लड़का लड़कियां और हरेक उम्र के लोग यहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और देखिए जितना हनुमान चालीसा है महाराज जी खरीद के लाए हैं। हनुमान चालीसा रखने के लिए जो चीज लगता है वो भी महाराज जी खरीद के लाए हैं। और दोस्तों जो मंदिर एक समय में अंदर से जो गर्भगृह था, डरावना था, मूर्ति खंडित थी, आज देखिए भगवान का श्रृंगार होने के बाद किस तरह से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का रूप खिल रहा, मनमोहक लग रहा। और यहाँ पे माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना भी कर रही। और दोस्तों यहीं पर जन्माष्टमी में महाराज जी ने लोगों के सहयोग से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया था। दोस्तों कह सकते हैं कि जो मंदिर एक समय में लोगों के मन में डर पैदा करता था और सामाजिक तत्व आते थे, कुछ छुपा के रखते थे, फिर क्या करते थे, लोग इधर आते तक नहीं थे। लेकिन आज दोस्तों रात होने के बाद भी देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं और देखिए कितना भक्तिमय माहौल है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई आरती गा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई घंटी डुला रहा है, और देखिए कैसे दिवाली सा जगमगा रहा है ये राम जानकी मंदिर। और दोस्तों ये संभव इसीलिए हो पाया है क्योंकि महाराज जी ने यहाँ के लोगों को जागृत किया, सभी लोगों का सहयोग लिया। महाराज जी पिछली बार मिले थे तो इतना ज्यादा भव्य रूप नहीं था, भगवान है भव्यता थी। क्या क्या बदलाव और क्या क्या चीज यहाँ पे हो रहा है? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सेवा आराधना करने से मुझे करना पड़ा, क्योंकि लोग जागे तो लेकिन फिर जागने के बाद फिर से वापस हो गए, फिर से मुझे उनके लिए जागना पड़ा और दिन रात एक करके माँ सीता को जगाना पड़ा, राम जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, शालिग्राम देवता को, सबको जगाना पड़ा। कृष्ण भगवान थे उन्हें भी जगाना पड़ा। और उसके बाद जब ये जागृत हुए तो उनके चेहरे पे पहले तो मुस्कान आना शुरू हुआ, वो खिलना शुरू हो गए। फिर रात में हम पट बंद करके जाते, सुबह आते थे तो सबका पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा राम जी थोड़ा इधर खिसक गए, थोड़ा माँ खिसक गई, थोड़ा सा लक्ष्मण जी खिसक गए, ऐसा अक्सर चला आता था। अच्छा, आजकल में शायद हनुमान जी भी खिसक गए हैं। और कल की परसों की बात है, परसों सुबह मैं 5:20 में आया और 5 बजे यहाँ माता बहने लोग मंदिर के आसपास बैठी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि बाबा जी सो हम लोग यहाँ पे आए, हमें सब लोगों ने घेर लिया और बताया कि मंदिर के अंदर से दस्तक हो रही थी। सो क्या भगवान दरवाजा खटखटाया जा रहा था अंदर से? अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि भगवान खोलने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इतने वक्त खोलने के लिए नहीं था, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी यहाँ मौजूद है, आप उनको इग्नोर ना करें। आप लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं देते, उनके चरणों में या उनके चौखट पे सर पटक किए उनको नमन कीजिए, उनको ध्यान कीजिए, उनको आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए, उनसे प्यार कीजिए, उन्हें उनकी सेवा आराधना कीजिए। जो आप क्या कहते हैं कि जब आप लोगों ने अष्टयाम किया था तब तक आप लोगों के अंदर बहुत उनके प्रति स्नेह था, प्रेम था, और अष्टयाम के बाद सब लोग भूल गए। छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हमने हनुमान चालीसा का ये पाठ का एक पहल किया था कि शायद इसके वजह से लोग
भगवान तक पहुंच सके, राम जी तक, सीता माँ के तक पहुंच सके, तो हनुमान चालीसा का पाठ हमने शुरू करवाया। बच्चों की डिमांड थी कि नहीं, जिस दिन जो देवता का दिन है उस दिन उस चीज की भी हमने उसकी भी पुस्तक उपलब्ध कराया, शिव चालीसा, शनि चालीसा, शनि स्तोत्र वगैरह वगैरह, राम रक्षा स्तोत्र, इस तरह से हमने बहुत तरह की पुस्तकों को भी ला के दिया। और रेहल लाया, रेहल पे रख करके, कुछ रेहल कम पड़ गए तो चुंदरी बिछा करके दिया कि पुस्तक को रख करके आप लोग उसे पढ़ें, और सबकी नज़र पुस्तक के उस हर एक शब्दों पे है, हर एक लाइन पे हो, ताकि आपका नज़र भटके नहीं, आपके मन में कोई दोष ना हो, दोष ना हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, याद हो गया हनुमान चालीसा तो सामने देख रहे हैं माँ क्या कर रही है, बहन क्या कर, क्योंकि जब बच्चे यहाँ बैठते हैं तो उनके माता पिता भाई बहन सभी सामने बैठते हैं, उन्हें भी बहुत आनंद मिलता है, देखता हूँ कि धीरे धीरे सुनते सुनते उन्हें भी याद हो गया और वो लोग भी गुनगुनाते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये हनुमान चालीसा का जो हमने एक शुरुआत की थी 3 सितंबर को, और आज मुझे लगता है कि 7-8 अक्टूबर हो गया, और अब तक कभी बंद नहीं हुआ, और 15-20-25-30 बच्चे आते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं, और नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं, लोग बहुत सारे आते हैं जो परिक्रमा करते हैं और कहते हैं हमारे शरीर में ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा हमें स्पर्श कर रही है। बहुत सारे लोग आते हैं परिक्रमा करते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा उन्हें फील हो रही है। बहुत सारे लोग इस चौखट के अंदर, चौखट नहीं बल्कि ये प्रांगण के अंदर प्रवेश करते तो उन्हें कहती है मुझे बहुत सारा ऊर्जा फील हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि उन्हें लाभ हुआ है, जो मांग रहे हैं उनकी पूर्ति हो रही है। अब जिनके हृदय में लालच हो उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लालच से नहीं, जो स्नेह से आते हैं, प्रेम से आते हैं, जो ईश्वर से मांग रहे हैं, उन्हीं उनकी पूर्ति हो रही है। अब लालच ऐसा है कि ये मिला नहीं कि दूसरे की डिमांड कर दिए, दूसरा मिला नहीं तीसरे की, नहीं तो एक साथ ही अपना पूरा जिंदगी का जितना किताब है पूरा खोल दिए कि सब चाहिए एक ही साथ, अरे पहले एक तो ले लो जी, बिल्कुल, एक मिला नहीं है हजारों के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, लेकिन लोग पा रहे हैं, लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के बाद सारे लोग परिक्रमा करते हैं, ऐसे परिक्रमा के बाद फिर क्या होता है कि सारे बच्चे खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद आरती की दीप जलाई जाती है, दीप जलने के बाद सारे लोग सामूहिक रूप से, एक दो बच्चे नहीं बल्कि उनके गार्जियन, सारी माताएं बहनें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग लाइन से खड़े होते हैं और दरवाजा छोड़ करके खड़े होते हैं, ताकि भगवान अगर बाहर है कहीं भी है तो वो दरवाजा से प्रवेश कर सके, क्योंकि उनकी आरती हो रही है। और वो आरती में सभी लोग शामिल होते हैं, भगवान स्वयं भी शामिल होते हैं कि उनकी आरती हो रही है, और वो साक्षात आके वहाँ खड़े होते हैं, विराजमान होते हैं, और उनकी आरती होती है। आरती दीपों से की जाती है, नींबुओं से की जाती है, हर तरीके से आरती की जाती है, लोग तालियों के साथ आरतियों में शामिल होते हैं, लोग घंटियों द्वारा शामिल होते हैं, लोग आरती गाते हुए शामिल होते हैं, और इस तरीके से आरती भव्य रूप से की जाती है। उस आरती से लोग लाभान्वित होते हैं, फिर आरती दी जाती है लोगों को, आरती लोग सामूहिक लेते हैं, लोग आरती से प्रभावित होते हैं, आरती की ऊर्जा उन्हें मिलती है, चनामृत वितरण होती है, इसके अलावा आपको प्रसाद वितरण होती है, प्रसाद की भी मात्रा इतनी होती है कि उनके जाने के बावजूद भी आइटम भी बहुत था, जलेबी खाए हैं, बिल्कुल आपको लड्डू खाए हैं, फिर हलवा था जी, हलवा है, पूरी है, जलेबी है, पूरी भी था, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, केला है, सेब है, ये तो प्रत्येक दिन का, ये कभी नहीं घटता, हलवा पूरी जलेबी और केला सेब तो कभी घटता ही नहीं, हमेशा ये माता का, राम जी का, प्रभु का कृपा है कि यह हमारे यहाँ भरी रहती है। तो आरती समाप्त होने के बाद हमारे यहाँ जो है सो फिर श्रृंगार की जाती है, जस्ट आरती खत्म हुई और कुछ माताएं बहनें आती हैं, वो लोग आकर के यहाँ श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार मतलब हर दिन एक नई श्रृंगार होती है, और श्रृंगार के बाद राम जी एक अनोखे रूप में दिखते हैं, माँ सीता बताते हैं, माँ सीता जो है उनका रूप देखने योग्य होता है, मनमोहक होता है। तो इनके लिए हमने एक छोटी सी एक विचार रखा था कि माँ का या भगवान का, प्रभु राम का एक जब नया वस्त्र पहनते हैं तो एक उनका एक नए रूप आता है, और वह रूप इतना भव्य होता है, इतना मनमोहक होता है, जिसको देखने के लिए लोग ललायित होते हैं। तो उसके लिए हम एक ने एक ये रखा कि आप 11 रुपए 21 रुपए उनके चरणों में रख करके उनको एक नेक दे कि माई हम भगवान हम आपका दर्शन करने आए हैं, तो कम से कम हमें आप हमारा ये भेंट स्वीकार करें, और उसके बाद वो दर्शन करते हैं, उनके बाद फिर बाकी सारे लोग दर्शन करते हैं। तो कोई एक इंसान भीड़ से आते हैं वो ऐसा करते हैं, हवन भी देखे हैं कि हवन भी हो रहा था यहाँ पे, हवन का क्या है कि अभी दशहरा का चल रहा है, और हमारी इच्छा है कि हम समाज को हमेशा
हमेशा के लिए हवन देते रहे, बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े जवान जवान। हमने ये अशजाम में भी चाहा था लेकिन लोगों ने पूरा नहीं किया, तो उसको मैं चाहता हूँ कि पूरा कर सकूँ। मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन ये हवन ना रुके, हनुमान चालीसा ना रुके, यहाँ के कर्म ना रुके, यहाँ की सेवा आराधना ना रुके, इसके लिए मैंने हवन की भी शुरुआत की है। इस धरती को मैं जगाना चाहता हूँ, चमकाना चाहता हूँ, यहाँ की रौनक को बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए चंद बच्चे हैं जो हमारे साथ बैठ करके अभी हवन में साथ दे रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ के समाज के एक एक व्यक्ति आएंगे और अपने कल्याण के लिए, अपने घर परिवार, अपने समाज के कल्याण के लिए हमारे साथ हवन में बैठेंगे। और हवन में जब हमने जब कल हवन शुरुआत की थी तो हमने माँ को ध्यान किया, आवाहन किया, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने राम जी को, सीता माँ को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी शालिग्राम देवता सभी को हमने आवाहन किया। और पलक झपकते ही अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई, जा करके पूरे मरवा के ऊपर स्पर्श किया उन्होंने, वहाँ माँ मुझे दिखाई दी और उसके बाद सीधे आकर के वो स्लो हो गए, मतलब आकर के पूरी नीचे नहीं गए लेकिन स्लो होकर रुक गए। फिर हमारी मतलब हमारी हवन की प्रक्रिया चलती रही लेकिन ये चला। परसों की बात हमने बताई कि परसों माँ आकर के दस्तक दे के बताई कि मेरी मौजूदगी यहाँ है, भगवान ने बताया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसी प्रकार कल उन्होंने बताया कि हवन कुंड के माध्यम से कि मैं यहाँ भी मौजूद हूँ। तो बस समझिए कि इस धरती पे ईश्वर इस तरह से मौजूद है जो लोग समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। जिस दिन जान जाएंगे, आपको एक बात पता होगा कि मंदिर तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मंदिर है, लेकिन हर जगह पूजा आराधना होती है, कहीं अच्छी होती है, कहीं बुरी होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ अभी भगवान जाग रहे हैं, जब सूर्य जब उगते हैं तो उनकी चमक होती है, उनकी रौनक होती है, उनमें जो तेज होती है वो देखने योग्य होती है। और आज यहाँ राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी, शालिग्राम देवता, हनुमान जी, सब में वही तेज है जो एक उगते हुए सूरज में होता है। कल तक ये भले ही डूब गए थे, ये 40 वर्षों से ये यहाँ बंद पड़े थे, 14 वर्ष के वनवास के बजाय 40 वर्ष के वनवास काटे, सजा पाए, जो भी पाया उन्होंने, लेकिन आज जब वो जागे हैं तो कल्याण करने के लिए वो खड़े हैं। बस कल्याण कराने के लिए आपका दर्शन, आपको दर्शन करने की जरूरत है, परिक्रमा करने की जरूरत है उनको। आप चाहे तो माँ है, अगर कोई बहन है, कोई बेटी है, जो सुहागन है, सीता माँ से बड़ा सुहागन कोई नहीं होगी, सीता माँ से बड़ा परीक्षा देने वाली कोई नहीं होगी, सीता माँ से बड़ी कोई औरत नहीं हो सकती, सीता माँ से बड़ी कोई बेटी नहीं हो सकती, कोई माँ नहीं हो सकती। तो सीता माँ की तरह अगर बनना है तो उन्हें आकर के श्रृंगार दें। श्रृंगार का मतलब होता है, सुहागन का श्रृंगार सिंदूर होता है, सुहागन का श्रृंगार बिंदी होता है, श्रृंगार का सामान चुंदर होता है। तो माँ को कुछ ऐसे सामग्री दे कि माँ आपको भी अपने जैसा मतलब चरित्रवान बनाए, पवित्र स्त्री बनाए, ऐसा बनाए कि आपका मन कहीं विचलित ना हो, आप भटके नहीं, कहीं गुमराह ना हो, आपका समाज में कल्याण हो, आप समाज में नाम करें, रोशन करें, जैसे माँ ने किया था। अंतिम सवाल महाराज जी, सारा चीज आप खुद बता दिए, हमको एक भी शब्द आप बोलने की जरूरत नहीं। अंतिम शब्द ये पूछेंगे कि अभी भी इतने बड़े सिंघिया में और सिंघिया प्रखंड में जो लोग आत्मा से अभी तक इस मंदिर से नहीं जुड़े हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ, बस सेवक हूँ, सेवा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। आपसे यही कहूँगा, आप अगर सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम दर्शन कर लिए। कहते हैं कि दर्शन मात्र से कल्याण होता है, एक झलक उनका दर्शन कीजिए। अगर जो आदमी 41 डेज जिस इंसान ने दर्शन किया, उसके 42 यानी अगला दिन मुझसे आके खुद बताएंगे कि बाबा ये चमत्कार हो गया मेरे जीवन में, मैंने ये पाया है, वो पाया है। तो जब तक वो कम से कम लगातार, अब कोई कहेंगे आज किया 4 दिन बाद फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं, लगातार आप 41 दिन दर्शन करो। अगर दर्शन मात्र से कल्याण नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, मेरी साधना पूजा आराधना फिर विफल हो जाएगी, अगर मैं मेरा कहा हुआ विफल हो जाए। लेकिन हम 4 घंटा से यहाँ पे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे अच्छा लगने लगा और मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ गया, जो नकारात्मकता मेरे अंदर आई थी सब चीज दूर हो गया। जब यहाँ 2 घंटा बिताने से इतना ज्यादा असर हो सकता है तो 40 दिन में तो लोग जो है सो 40 दिन में लोग तो स्वर्ग को पा सकता है क्या महाराज जी? इसी बात के साथ महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी जरूर बुलाइएगा और आशीर्वाद दीजिए हमको महाराज जी एक बार कि मानसिक रूप से हम थोड़ा मजबूत हो और अपने जो भी होता क्या है महाराज जी, रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत सारा चीज हम लोग ऐसा देखते हैं जिससे अंदर से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो आशीर्वाद दीजिए कि मन से मजबूत रहे तो, हाँ, और भगवान की सेवा में इसी तरह आप बुलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।